प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ समुद्र शास्त्र में मनुष्य के शरीर की बनावट और अंगों के आधार पर भविष्य बताने की विधि बताई गई है। समुद्र शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के सिरे के अंगों की बनावट उसके स्वभाव एवं उसके भविष्य के बारे में बहुत सी बातें बताती है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि ग्रहों की स्थितियों के कारण ही मनुष्य के शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल का निर्माण होता है। शरीर पर बने तिल के आधार पर हम उस व्यक्ति के भविष्य से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो व्यक्ति कब धनवान बनेगा या उसे नौकरी कब मिलेगी या फिर उसका जीवन साथी कैसा होगा। शरीर पर बने तिल व्यक्ति के भाग्य से जुड़े कई राज खोलते हैं। आज हम आपको शरीर के अलग अलग अंगों पर बने तिल के आधार पर व्यक्ति के भविष्य से जुड़ी जानकारी बताएंगे। पहला है माथे पर तिल। समुद्र शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल का बनना बहुत ही शुभ होता है। बहुत ही कम लोगों के माथे पर तिल होता है। माथे पर तिल लेकर जन्म लेने वाले लोग बुद्धिमान होने के साथ ही भरपूर धन कमाने वाले होते हैं। लेकिन इसमें यह भी महत्वपूर्ण होता है कि माथे पर किस स्थान पर तिल है। अगर माथे पर आपकी बाईं ओर तिल है तो उम्र के साथ आपकी आर्थिक परिस्थिति सुधरेगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप और भी अधिक धनवान बनते जाएंगे। साथ ही आपको दुनिया घूमने का मौका भी मिल सकता है। माथे पर तिल अगर दाईं ओर है तो आप कंजूस व्यक्ति बन सकते हैं। आपको भविष्य में अपार धन की प्राप्ति होगी लेकिन आप केवल धन संचय ही करेंगे, उसका उपभोग नहीं करेंगे और ना ही दूसरों की मदद करेंगे। अगर माथे के मध्य पर तिल है तो आप एक महान व्यक्ति बनेंगे। साथ ही आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलेगा जो आपका बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। भूहों पर तिल। भूहों पर तिल का होना सौभाग्य की निशानी है। जिन महिलाओं के दोनों भूहों के बीच में तिल होता है वो बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी महिलाएं जिस घर में शादी करके जाती हैं वहाँ सुख समृद्धि लाती हैं और ऐसे घर में धन की कभी कमी नहीं होती। अगर दाएं या बाएं भूहों पर तिल है तो व्यक्ति को शादी से पहले कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु विवाह के बाद इनकी किस्मत बदल जाती है और आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। पलकों पर तिल। समुद्र शास्त्र के अनुसार दाईं पलकों पर तिल होना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे लोग जल्दी अमीर बनते हैं और भविष्य में बहुत ही नाम कमाते हैं। लेकिन अगर निचली पलकों पर तिल है तो ऐसा व्यक्ति पैसे बहुत ही खर्च करने वाला होता है। ऐसे लोगों के हाथ में धन नहीं टिकता। ये लोग अपने जीवन में कभी भी पैसों की बचत नहीं कर पाते, चाहे कितना भी कमाएं। छाती पर तिल। छाती पर तिल होना भाग्य की निशानी होती है। जिन महिलाओं की छाती पर तिल होता है उनके भाग्य में सरकारी नौकरी होती है। पुरुषों की छाती पर तिल होना उन्हें समर्थशाली और महत्वाकांक्षी बनाता है। ऐसे पुरुष बहुत ही मेहनती होते हैं और अपने दम पर पैसा कमाते हैं। कानों पर तिल होना। समुद्र शास्त्र में यह बताया गया है कि कानों पर तिल होने वाले लोग बहुत ही समझदार होते हैं। ऐसे लोगों के पास हमेशा पैसा आता रहता है और ये पैसों का सही इस्तेमाल करना भी जानते हैं, जिस कारण इन्हें भविष्य में इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। होठों पर तिल। समुद्र शास्त्र के अनुसार होठों पर तिल होना बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होता है। ऐसे लोगों का भाग्य इनका बहुत ही साथ देता है। इन लोगों को पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। थोड़ी सी मेहनत करने पर इन्हें तुरंत सफलता मिलती है और ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा अमीर बनते हैं। कंधों पर तिल। पुरुषों के कंधों पर तिल होना उन्हें बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान बनाता है। ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। अगर आपके दाएं कंधे पर तिल है तो आप जल्दी ही सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन दाएं कंधे पर तिल है तो आपको सफलता पाने में समय लग सकता है। हथेली पर तिल। दाएं हथेली पर तिल होना बहुत ही शुभ होता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बहुत ही धनवान बनते हैं। तो दोस्तों, जाना आपने शरीर पर बने तिल और उनसे जुड़ा भविष्य के बारे में।